हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि अल्फाबेटिक पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं यहां से। तो अभी हमें अल्फाबेटिक पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे सबसे पहले हमें हेडर फाइल बनानी होगी। चलिए पहले हेडर फाइल बनाते हैं। फाइल में चलते हैं, न्यू प्रॉपर्टी फाइल ले लेते हैं यहां से, और यहां पर हमें हेडर फाइल लिखनी होगी। यहां मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ओके, तो यहां हैश इंक्लूड stdio.h और फिर हैश इंक्लूड conio.h हमने लिख लिया। फिर यहां पे मेन फंक्शन बनाएंगे जो कि इंट टाइप का होगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं डेटा टाइप ले लूंगा इंट टाइप का, और यहां पर दो वेरिएबल मैं बनाता हूं i और g, ठीक है। एक रो को प्रिंट करने के लिए और एक कॉलम को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और हम डेटा टाइप ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, तो char जिसका कीवर्ड होता है मैंने यहां लिखा, और फिर यहां पर ch एक नाम का हम और बनाएंगे, और यहां पर सिंगल रोटेड कोट्स में हम लिखेंगे कैपिटल A। ये कैपिटल A मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि A B C D के फॉर्म में हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट होकर आए। तो चलिए इसके बाद इसको करते हैं टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद अब हम लूप लगाएंगे यहां पर। तो फॉर लूप लगाते हैं हम, ये आउटर फॉर लूप है, ठीक है। आई की वैल्यू को कहां से स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। और आई इज क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू हम 5 तक चला रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने चला दिया 5 तक, ठीक है। I इज लेस देन और इक्वल टू का क्या किया हमने, 5 कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराएंगे, जैसा कि पिछले वीडियोस में आप समझ चुके हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है और डिक्रीमेंट क्या होता है। तो यहां इंक्रीमेंट करा रहे हैं हम, ठीक है। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं, ये भी आपको पता है। अब इसमें मैं नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रहा हूं, यानी कि एक फॉर लूप आउटर फॉर लूप है, दूसरा इनर फॉर लूप है। यहां पे लगाते हैं फॉर लूप, ओके। और फॉर लूप को लगाने के बाद यहां पर जे को अब इस्तेमाल करने वाले हम, तो जे की वैल्यू को भी 1 से स्टार्ट करते हैं। जे इज लेस देन और इक्वल टू क्या कर देंगे, आई कर देंगे, ठीक है। आपको यहां 5 नहीं करना, यहां पे करना है आई, ठीक है। तो ये आई तक चलेगा, लेस देन और इक्वल टू आई तक चलेगा ये, और क्या होगा फिर इसको टर्मिनेट करेंगे और क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, यानी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद हमें फिर नीचे आना है और इस लूप की भी बॉडी को हम कर्ली ब्रैकेट से बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे प्रिंट एफ देंगे, चूंकि हमने एक डेटा टाइप जो लिया है वो कैरेक्टर टाइप का भी लिया है, तो यहां पर अभी हम कैरेक्टर्स को प्रिंट कराएंगे। तो कैरेक्टर्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट सी, तो यहां हमने परसेंट सी दे दिया, और सी एच टाइप का एक हमने बनाया है वेरिएबल, तो उसी में ये स्टोर होगा। और इसके बाद फिर यहां पर हम कराएंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पर हमने करा दिया इंक्रीमेंट, ओके। तो इंक्रीमेंट कराने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं, उसको आप जरूर देखिए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहां पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है, और क्लोज करके जो सी एच नाम का हमने वेरिएबल बनाया था उसमें फिर से यहां पर लिखना है ए, चूंकि हमने उसमें क्या असाइन किया है, कैपिटल ए असाइन किया है, और इसको करेंगे टर्मिनेट। और टर्मिनेट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि लाइन भी चेंज होती रहे, तो दैट्स वाई यहां प्रिंट एफ लिखेंगे और यहां लगाएंगे बैकस्लैश एन, तो बैकस्लैश एन लगा दिया हमने। क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और यहां पर हम क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहां पे हम दे देंगे रिटर्न जीरो, ठीक है। तो रिटर्न जीरो दे दिया, आप गेट सी एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इंट टर्म में रिटर्न जीरो लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां पर हम इसको सेव करेंगे, तो यहां सेव कर रहा हूं मैं, तो यहां पर मैं दे दूंगा पैटर्न डॉट सी, ठीक है, ये नाम दे दिया है पैटर्न डॉट सी। तो अभी देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारा बनकर के तैयार है। आइए इसको कंपाइल और रन करने का वक्त है, तो आइए इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं ये प्रोग्राम चलते हैं नहीं। यहां पे एरर आ रही है लाइन नंबर 9, ओके। ओ यहां पे दो बार फॉर लिख गया, नो प्रॉब्लम, यहां से इसको हटा देते हैं, ओके। अब सब कुछ सही है, सेव करेंगे इसको और अब इसको कंपाइल करते हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। कंपाइल हो गया, अब इसको रन करने की बारी, तो यहां से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी ए बी सी डी इस तरह से करके ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। चलिए इसमें कुछ तब्दीली करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं। इसको हम चलाएंगे अब 9 टाइम, ठीक है। अगर हम 9 टाइम चलाएंगे तो होगा क्या, 9 टाइम चलाते हैं और आइए देखते हैं
कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। यहां पर हम j इज लेस देन और इक्वल टू i तक चला रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि ये किस तरह का पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ये 9 टाइम प्रिंट हो रहा है, यानी कि a b c d e f g h i यहां तक ये प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप और भी ज्यादा बड़ा चाहते हैं तो यहां पर आप और भी ज्यादा नंबर्स ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कंपाइल करवाया हमने, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं इस बार L तक ये प्रिंट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।